नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं फिर अपने इस ब्लॉग वीडियो के साथ आप लोग के बीच आया हूं। तो गाइस, आज मैं जो कि आप जो ये हाईवे देख रहे हैं, ये मैं गाजीपुर वाले मार्ग पे हूं और मैं इस टाइम कैथी में हूं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में, जो कि वाराणसी शहर के अंतर्गत ये आता है, जनपद वाराणसी लगता है। और मैं कैथी में, जो कि आप देख सकते हैं, श्री मार्कंडेय महादेव मंदिर धाम, यहाँ पर मैं आया हूँ और इस हाईवे से करीब 1-2 किलोमीटर दूर अंदर है, जो कि मुझे ये हाईवे छोड़ के अंदर से जाना पड़ेगा नीचे से। और गाइस, ये मैं शहर से, वाराणसी शहर से करीब 25-26 किलोमीटर दूर करीब आया हूँ। और उससे ये जो गाजीपुर वाला जो मार्ग है, इसके पहले जो कि ये मेरा इस ब्लॉग वीडियो के पहले जो कि और ब्लॉग वीडियो था, जो कि सर्वोदय महामंदिर धाम के ऊपर था। तो जैसा कि आप उसी मार्ग पर ये पड़ता है और उस मंदिर से आप जब तक यहाँ पर आएँगे, वहाँ से यहाँ तक की दूरी 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये दोनों मंदिर एक ही मार्ग पे पड़ता है। ये गाजीपुर वाला जो मार्ग है, ये गाजीपुर वाले मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर बाबा भोलेनाथ की नगरी में, जो कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग का मंदिर है वहाँ पे। तो चल के आगे देखते हैं। ये यहाँ का कुछ सड़क के दोनों तरफ दुकानें रही प्रसाद से संबंधित। ये मार्कंडेय महादेव मंदिर जाने के लिए कुछ इस तरीके से ये चढ़ावा है। मंदिर का ये रहा मेन द्वार, कुछ इस तरीके से। ये मंदिर का पिछला भाग कुछ इस तरीके से, और ये रहा मेन मंदिर, जो कि सामने शिवलिंग हल्का से दिख रहा होगा। और ये ऊपर का आकार कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ के द्वारे पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ये यहाँ का रहा हवन कुंड। लेकिन मंदिर के जस्ट सामने वो बगल में है। Thank you.
गाइस ये मार्कंडेय महादेव का मंदिर का आकार प्रकार कुछ इस तरीके से रहा, और ये आप जो मैं जहाँ पे हूँ जिस जगह पे हूँ ये मार्कंडेय महादेव मंदिर के जस्ट सामने ये माँ गंगा बहती हैं, माँ गंगा और फिर गोमती नदी जो कि का यहाँ पास संगम है, यहाँ पे उनका मिलाप है। और यहाँ पे नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है, और इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वाराणसी में हूँ, और गंगा उस तरफ चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे गाजीपुर में, और यहाँ का घाट कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि काफ़ी सुंदर दिखने में लगता है, बेहद अच्छा है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं माँ गंगा नदी में जो कि बहुत सारे नाव चल रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत सी ताव से अपना घूमते हैं फिरते हैं, हर एक चीज़ का मजा लेते हैं और यहाँ पे माँ गंगा में स्नान करते हैं। तो गाइस ये हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।